तो चलिए गाइस, हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो आज हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इस ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ से हटाना है, इस टेबल पर से फोटोशॉप में कैसे हटा सकते हैं। ठीक है, ठीके? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस लेयर की एक कॉपी लेनी है कंट्रोल जे के साथ। हमने कॉपी ले ली है, अब हम कॉपी पे ही काम करेंगे। सबसे पहले उसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना है, फिर पेन टूल लेना है, और जो टेबल है उसका ये जो बाहर का एरिया है वो सिलेक्ट कर लेना है पूरा का पूरा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही। तो ये बाहर का एरिया सिलेक्ट करना है, उसे फिर सिलेक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इस तरह से। और फिर जो सिलेक्शन है उसी के आप एक कॉपी ले लीजिए, ताकि आपका कभी भी अगर सिलेक्शन चाहिए तो भी वापस आ जाए। ठीक है, अब हम सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने कॉपी ली है ना उसी पे काम करेंगे। इस पूरे सिलेक्शन को वापस से सिलेक्ट कीजिए, और फिर आपको क्लोन स्टैम्प टूल पे आ जाना है, हमें इसका यूज़ करना है। ठीक है, ऑल्ट प्रेस करके आप कहीं पे अगर कहीं से भी सैंपल लेंगी तो वहाँ का सैंपल आ जाएगा। जैसे कि मैं ऑल्ट प्रेस करके यहाँ क्लिक करूँगा तो यहाँ का सैंपल आ गया है, देखिए। अब वो सैंपल में यहाँ जो बोतल है वहाँ पर डालना चाहूँगा, यानी कि हमें बोतल को यहाँ से हटाना है इसीलिए। तो इसी तरह से हम क्लोन स्टैम्प टूल का हेल्प लेकर आसानी से ये कर सकते हैं। देखिए, टेबल के ऊपर से ऑलमोस्ट हट चुकी है। यहाँ थोड़ा सा हमें और भी प्रॉब्लम दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला लेयर है उसी के ऊपर से एक कॉपी लेंगे यूं करके। ये जो हमें थोड़ा सा पार्ट अंदर की तरफ दिख रहा है हम उसकी ही एक कॉपी लेंगे। ठीक है, सिलेक्शन कर लेंगे, और फिर यहाँ पर भी हम क्लोन टूल का ही मदद लेंगे, ऊपर वाले को ही यूं ले लेंगे। ठीक है, इसे कंट्रोल डी के साथ डी सिलेक्ट कर देंगे, और यहाँ हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो यहाँ भी हम सेम वही कर लेंगे यूं करके, सिलेक्ट कर लेंगे, और ऊपर वाले पे ही लेयर पे हम क्लोन स्टैम्प टूल की मदद से उसे सही करेंगे। ठीक है, यूं देखिए सही हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन हम रखेंगे, और इस सिलेक्शन को हम देंगे शिफ्ट कंट्रोल आई, जिससे कि ये सिलेक्शन उल्टा हो जाएगा, यानी कि अंदर का था ये बाहर का हो जाएगा। अब हमें जो बाहर है वहाँ से बोतल को इरेज करना है, तो इसके लिए जो ये बोतल वाला लेयर है उसको हमें सिलेक्ट रखना है, और फिर से हमें लेना है क्लोन टेम्प टूल, उसे बड़ा करना है, और ये सॉलिड कलर है यानी कि एक ही कलर है, तो इसका हम सैंपल यूं ले लेंगे।
और इस कलर को इस तरह से अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए आराम से बोतल वहाँ से भी निकल चुकी है, ये पहले ये बाद में। देखिए इस तरह से आप फोटोशॉप में कोई भी ऑब्जेक्ट को आसानी से रिमूव कर सकते हैं।